हेलो बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. अ यूनिफॉर्म केबल ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट इट्स 1 बाय nth पार्ट इज हैंगिंग बिलो द एज ऑफ द सरफेस. टू लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट ऑफ द केबल अप टू द सरफेस द वर्क डन शुड बी. सो बच्चों डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. एक हमको चेन दे रखी है या केबल दे रखी है जिसका टोटल मास एम है और टोटल लेंथ एल है. इसका 1 बाय nth पार्ट मींस ये डिस्टेंस हम मान सकते हैं एल बाय एन. और तो ये हो जाएगी बच्चों हमारी एल माइनस एल बाय एन, क्योंकि टोटल लेंथ हमको एल दे रखी है. तो एल बाय एन एथ पार्ट इसका हैंग कर रहा है बच्चों. टोटल मास एम है तो हम बोल सकते हैं इतने पार्ट का मास कितना होगा. तो एल लेंथ में बच्चों मास है हमारा एम, तो एल बाय लेंथ एल बाय एन लेंथ में मास कितना हो जाएगा बच्चों, सिंपली हम बोल सकते हैं एम बाय एन. ठीक है बच्चों, सो मास भी हमको पता चल गया इस पार्ट का, ये जो मैंने शेडेड कर रखा है. तो हमको बताना है बच्चों कि अगर हम इसको लिफ्ट कर लेते हैं हैंगिंग पार्ट को अप टू द सरफेस, मतलब फाइनल सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी. इसको हमने लिफ्ट कर लिया तो कितना वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन शुड बी. सो बच्चों ग्रेविटी के अंदर वर्क डन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, एंड कंजर्वेटिव फोर्स में हम वर्क डन लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. तो बच्चों हम इसी को रेफरेंस ले लेते हैं हमारा, तो इसको रेफरेंस ले लेते हैं. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम मान लेते हैं जीरो, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई माइनस इनिशियल पोटेंशियल. अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे बच्चों, तो देखो जो पार्ट टेबल पे है उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं क्योंकि उसको रेफरेंस माना है हमने, तो इतने हैंगिंग पार्ट की हम पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं. तो बच्चों हैंगिंग पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपली हम मान सकते हैं इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ कहीं होगा, जो कि कितनी डिस्टेंस पे होगा यहाँ से टोटल एल बाय टू एन, क्योंकि एल बाय एन लेंथ की चेन है तो एल बाय टू एन पे सेंटर ऑफ मास होगा इसका, और इसका मास हम निकाल ही चुके हैं एम बाय एन. तो पोटेंशियल एनर्जी हम हैंगिंग पार्ट की कितनी बोल सकते हैं, अगर हम बात करें बच्चों यू इनिशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं हम एम जी एच से. तो मास कितना आया बच्चों हैंगिंग पार्ट का, एम बाय एन और इंटू जी इंटू एच. एच हमने निकाला कितने पार्ट पर है इसका सेंटर ऑफ मास एल बाय टू एन. तो बच्चों इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमको पता चल गई, डेट इज एम जी एल अपॉन टू एन स्क्वायर, एम जी एल अपॉन टू एन स्क्वायर. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों, ये नेगेटिव में होगा क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में हम पोटेंशियल एनर्जी को पॉजिटिव लिखते हैं और नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव ले लेते हैं. ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा ये माइनस ऑफ दिस वैल्यू माइनस एम जी एल अपॉन टू एन स्क्वायर. तो बच्चों एम जी एल अपॉन टू एन स्क्वायर पॉजिटिव में आ गया, ये एम जी एल अपॉन टू एन स्क्वायर पॉजिटिव में, विच इज गिवन इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.